too, and I love you too. Hi guys, good morning and welcome back to my channel. This is me Gulgali Singh and I hope you all are doing well. और आप सबकी स्किन केयर जर्नी अच्छी चल रही है ना, रिजल्ट भी आ रहे होंगे. अरे अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं सो डोंट वरी, आज सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. कब तक रिजल्ट आ जाएंगे और आपको और क्या क्या करना होगा जिससे अच्छे रिजल्ट आए. और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं. कोई आया है? कौन आया है? फूड डिलीवरी. ओके, आज मेरे पास फूड डिलीवरी आ रही है, वो एक डाइटिशियन से आ रही है और मैं शेयर करूँगी आपके साथ आने वाले वीडियोस में. तो गाइज अभी सुबह के 7 ही बज रहे हैं, बस मैंने सोकर उठी, फेस वॉश किया और आज मुझे आपके साथ सब कुछ डिस्कस करना है क्योंकि हमें 3rd मंथ मेडिसिन रूटीन फॉलो करना है. तो गाइज अभी आपको एक बात बताती हूँ, मैंने वर्कआउट छोड़ा हुआ है, कम से कम 20 या 25 दिन हो चुके हैं मुझे बिना वर्कआउट करे हुए, क्योंकि अभी सारा फोकस मेरी स्किन पे जा रहा है. और वर्कआउट मैंने इसलिए भी बंद किया हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी को ना ब्रेक की भी बहुत ज़रूरत होती है, रेगुलर वर्कआउट भी नहीं करते रहना चाहिए. तो 1 साल से मैं रेगुलर कर रही थी वर्कआउट, तो मैंने अब बंद करा हुआ है. पर आप बंद मत करना मुझे देख के, क्योंकि अभी ना मैं इसलिए बंद कर रही हूँ जिससे कि मैं फ्रेश स्टार्ट करूँगी अपना वर्कआउट रूटीन, क्योंकि मुझे अपना टमी का फैट रिड्यूस करना है और वो भी रिड्यूस नहीं हुआ है. थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, ज़्यादा नहीं आया है. ऑल्दो जो मेरा फेस है वो बहुत ज़्यादा गोल हो चुका है, बिल्कुल भी कट नहीं रहा है मेरे फेस में, एकदम से ना ऐसा गोल गोल हो चुका है और यहाँ पे ये फैट है. चलो ये तो मैं you know, मुझे अच्छा लग रहा है, बट ये चीज़ मुझे थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि शार्प होनी चाहिए तभी फेस कट अच्छा लगता है. तो उसके लिए मैं स्टार्ट करूँगी मसाज करना भी. इवन मसाज करने से स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है, सो आई विल स्टार्ट दैट सून. अभी नहीं कर रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे. सच में इतना कुछ करना होता है पूरे दिन में हमारी स्किन केयर जर्नी में. मेडिसिन लो, खाना खाओ, जूस पियो, लेमन वाटर लो, पानी पियो और स्किन रूटीन फॉलो करो AM and PM. तो सब कुछ ना इतना सिस्टमेटिक चल रहा है, उसमें अभी मैं कुछ और रूटीन फॉलो नहीं कर पा रही हूँ. तो आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी. रेस्ट लो बिल्कुल, रेस्ट लो. ओके, तो अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद मैं आती हूँ. ठीक है गाइस, मॉर्निंग में उठ के मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है, तो ब्रेकफास्ट से पहले भी मैं कुछ लाइट डाइट ले लेती हूँ, लेकिन उसे प्रोटीन डाइट बना लेती हूँ. जैसे कि बनाना ले लेती हूँ, उसके ऊपर ब्लैक सॉल्ट लगा के खा लेती हूँ, या फिर एप्पल ले लेती हूँ, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पीनट बटर स्प्रेड कर लेती हूँ, या फिर सेसमी सीड स्प्रेड जैसे कि मैं आज करने जा रही हूँ. तो इस तरह से मैं लाइट डाइट भी ले लेती हूँ, इससे न्यूट्रिशंस भी मिल जाते हैं, विटामिंस मिनरल्स सब कुछ मिल जाता है और ये एक रिच डाइट हो जाती है और साथ में टमी भी फुल हो जाता है. तो इस तरह से मैं फॉलो कर लेती हूँ. आज मैं बस एप्पल ले रही हूँ और थोड़ा सा एप्पल को पीस पीस करके कट करूँगी. इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी जैसे कि आमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, और स्प्रेड कर लूँगी सेसमी सीड स्प्रेड. और ये एक अच्छी रिच डाइट हो जाएगी, तो ये हेल्दी भी है साथ में लाइट भी है और टेस्टी भी लगेगी खाने में. तो मैं मॉर्निंग में इस तरह से फॉलो कर लेती हूँ और अच्छा रहता है हमारी स्किन के लिए भी एज वेल एज़ बॉडी हेल्थ के लिए भी, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है. ट्राई करना, अच्छा लगेगा. एंड मुझे बताना भी ज़रूर, इंस्टा पे बताना, यूट्यूब पे बताना, कहीं पर भी. अब मेरी हो गई है पेट पूजा, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि मुझे एक वीडियो देना है ब्रांड को आज शूट करके, और आपके साथ भी शेयर करना है मुझे मेडिसिन रूटीन का 3rd मंथ, कैसे हमें मेडिसिन फॉलो करनी है आगे और एवरीथिंग. तो मैं जल्दी जा रही हूँ नहाने के लिए और आती हूँ 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में आ रही हूँ. I am back. Guys, मैंने नहा लिया है, बस अब मुझे रेडी होना है. बता देती हूँ कहाँ जा रही हूँ. तो हमारी होने वाली है 1 लाख यूट्यूब फैमिली, तो मैं आप सबके लिए प्लान कर रही हूँ कुछ गिवेज गिफ्ट्स, तो वो मुझे लेके आने हैं. इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी वरना आपको पता चल जाएगा मैं क्या क्या लेके आ रही हूँ, पर आने वाली वीडियो में पता चलेगा. सो बस अभी मुझे रेडी होना है, फिर स्किन केयर की मुझे मेडिसिन शेयर करनी है, रूटीन क्या क्या आपको फॉलो करना है, एंड देन मैं जाऊँगी मार्केट और वो ब्लॉग मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी. चलो जल्दी से रेडी हो जाती हूँ मैं. अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा स्किन केयर क्योंकि मुझे बाहर जाना है तो सनस्क्रीन लगाना जरूरी है.
और गाइस मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैंने ये पहले कभी गिव वे नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम होने वाला है. सो आई रियली डोंट नो हाउ टू गिव वे, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं. सो आई नीड टू डू लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट दैट ऑल्सो. पर मुझे सिलेक्शन पार्ट सोच के इतना डर लग रहा है कि मैं कैसे सिलेक्ट करूँगी. ओ माई गॉड, क्योंकि मैं सबसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ. ट्रस्ट मी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. अगर आप उससे पूछोगे कि मुझे मेकअप में क्या अच्छा लगता है, तो वो है लाइनर. मुझे लाइनर बहुत अच्छा लगता है लगाना. और ये है मामा अर्थ का सूदिंग वाटरप्रूफ लाइनर. एंड आई होप ये दिख पा रहा है. नहीं दिख रहा, दिख रहा है. मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का सूदिंग वाटरप्रूफ आईलाइनर विद आमंड ऑयल एंड कास्टर ऑयल. ये एक ही स्टॉक में देता है इंटेंस ब्लैक मैट फिनिश एंड सुपर इजी एप्लीकेशन ब्रश है. नो फेडिंग, नो स्पंजिंग और लाइट वेट है और सेफ है ये एवरीडे के लिए, क्योंकि ये है वाटरप्रूफ फॉर्मूला जो कि 10 आवर्स तक स्टे करता है. एंड दिस मामा अर्थ सूदिंग वाटरप्रूफ आईलाइनर डज इट ऑल इन जस्ट वन स्टॉक एंड विद डाइंग टाइम ऑफ जस्ट 10 सेकेंड. इसमें है आमंड ऑयल जो कि मॉइस्चराइज करता है, स्मूथ करता है स्किन को, और कास्टर ऑयल है जो कि हेल्प करता है थिकर एंड फुलर लैशेस के लिए. एंड दिस इज़ क्लिनिकली टेस्टेड एंड इट डज नॉट कोज एनी इरीटेशन एंड इट्स सेफ फॉर एवरी डे एंड इट्स सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. एंड ऑल द मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री एंड मेड अप ऑफ ऑल नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस, यूज माई कूपन कोड GIRL2022 एंड यू विल गेट 20% डिस्काउंट एट मामाअर्थ ऑफिशियल वेबसाइट. और आप ऐप के थ्रू भी रिडीम कर सकते हो कोड को. एंड एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम मामाअर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू द वेबसाइट दैट दे प्लांट बिकॉज दे आर एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्री. और ये इंडियन ब्रांड है. सो इट्स अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart, Nykaa and Purple.com. मामाअर्थ ऑफिशियल वेबसाइट पे तो है ही. सो चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गाइस मुझे आपके साथ शेयर करना है स्किन केयर मेडिसिन रूटीन 3rd मंथ का, जो मैं बस जा रही हूँ लेने और जाना नहीं, 2 सेकंड में आ रही हूँ. तो ये है सारी मेडिसिन जो मैंने इसमें रखी हुई है बकेट में. तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे हमें फॉलो करना है 3rd मंथ मेडिसिन रूटीन. तो माइंड इधर उधर मत रखना, समझना, ठीक है. तो हमें पता है ये है पोस्लिन. तो ये 5 मेडिसिन मिक्स करके एक मेडिसिन हमने बनाया था, ये फॉर्मूला बन गया हमारा पोस्लिन का. और ये हमें कैसे लेनी है पता है. सेम रूटीन हमें फॉलो करना है 3rd मंथ में भी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. और ये मेरी ख़त्म हो गई है, मेरी जो अलग से भी थी ना बॉटल वो भी ख़त्म हो गई है, बस इतनी सी बच रही है. तो मुझे फिर से बनानी है. तो गाइज इसे हमें स्किप नहीं करना है, इसे हमें हमेशा लेना है स्किन केयर जाने में, ठीक है. नो कन्फ्यूजन, सॉर्टेड, सेम डोज, सेम रूटीन, कोई चेंजेस नहीं. अब आ जाते हैं, मुझे गर्मी बहुत लग रही है. मैं नहाकर आई हूँ फिर भी गर्मी लग रही है. ओके, तो अब आ जाते हैं वीकली डोज पे. वो है आयोडम 1000 सी. ये आयोडम है, फोकस क्यों नहीं आ रहा हूँ, ठीक है. तो ये मेरी न्यू बॉटल है, मेरी फ्रेंड ले गई आयोडम, उसको मिल नहीं रही थी मार्केट में. तो मैंने कहा ठीक है ले जा, मैं दोबारा मंगा लूँगी. तो ये मैंने नहीं मंगाई है. तो इसे हमें कैसे लेना है पता है ना, हमें वीक में सिर्फ एक दिन लेनी होती है 3 टाइम्स, ठीक है. तो ऐसे ही फॉलो करेंगे. और ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए अच्छी है. तो ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी से आपको रिजल्ट आ जाएंगे 1 और 2 मंथ्स में, लेना है इसको कंटिन्यूसली जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है. इसको ख़त्म कर लेना. और फिर आ जाते हैं हम आयोडम पे. सॉरी आयोडम तो बता दिया, ये है लाइकोपोडियम. तो लाइकोपोडियम हमने 2nd मंथ से स्टार्ट किया था रेगुलर लेना, ठीक है. 1st मंथ में हमने सिर्फ इसको शुरू के 3 डेज लिया था, 2nd मंथ में हमने इसको रेगुलर कर दिया है, नो कन्फ्यूजन. और इस मंथ में अगर आपके पास ये लाइकोपोडियम है तो आप इसको ख़त्म करोगे, वेस्ट नहीं करोगे मेडिसिन को. इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको ये ख़त्म कर लेनी है. जब भी आपकी ख़त्म हो जाए, आपके पास जब लाइकोपोडियम ना हो, तब आप स्टार्ट करना ये वाली. अब मैं इसे रख देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है. ये है गिनको बायलोबा. ये न्यू मेडिसिन है गाइस, जो हमें 3rd मंथ में इंक्लूड करनी है. एंड लेट मी टेल यू अबाउट दिस मेडिसिन. ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कोरियंस, जापनीज, चाइनीज, ये लोग बहुत इसके प्लांट्स खाते हैं. अब इसके बारे में मुझे इतना पता है कि ये आपकी
एज को कम करती है, स्किन को मतलब बेबी सॉफ्ट बनाती है, आपकी जो स्किन में रिंकल्स हैं सब कुछ प्रॉब्लम्स है ना वो इंटरनली क्योर करती है। और इसको तब पता चला हमारे इंडिया में, जब कोरिया में सब लोग खाते थे इसके प्लांट्स और उनकी स्किन बहुत अच्छी हुई, तब पता चला कि हाँ ये प्लांट बहुत अच्छा है, तब इसका डाइल्यूशन बना था, ऐसे मेरे डॉक्टर ने बताया हुआ है मुझे, तो उनकी बात ही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कोरियंस बहुत खाते हैं पर इसका वो प्लांट खाते हैं, हमारे यहाँ तो प्लांट है नहीं तो हम इसका डाइल्यूशन डाइल्यूट फॉर्म में इसको हम ले सकते हैं। और जब से मैंने इसे लिया है, ये देखो हाफ हो गई ना, इससे मैंने सेकेंड मंथ से लेना स्टार्ट कर दिया था, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझसे रुका नहीं गया थर्ड मंथ के लिए, मैंने कहा नहीं मुझे अभी लेना है, तो मैंने इसे लिया एंड आई कैन सी विजिबल चेंजेस इन माई स्किन, ट्रस्ट मी, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं, मेरा स्किन बहुत सॉफ्ट फील कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, लाइक ट्रस्ट मी, मैंने इतनी स्किन सॉफ्ट फील नहीं करी थी। और ऐसा नहीं है कि सबकी बॉडी पे ये तुरंत तुरंत आपको रिजल्ट्स देने स्टार्ट कर देगी, मेरी बॉडी पे तो मुझे फील हो रहा है, मतलब मुझको ना ऐसे अपना स्किन टोन में भी फील हो रहा है और साथ में मुझे स्किन को टच करने में फील हो रहा है कि जब से मैंने इसे लिया है, आई रियली डोंट नो इसके लेने से या फिर सारी मेडिसिन लेने के बाद से हुआ है, पर मदर टिंचर हमें कैसे लेना होता है, डायरेक्ट टंग पे नहीं लेना, हमें इसे पानी में लेना होता है। आई टेल यू कैसे लेना है, पानी मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है ये पानी है और इसको अब मैं खोलूंगी, इसमें डालूंगी, इसकी हमें कितनी ड्रॉप्स लेनी है, 15 ड्रॉप्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो गई, कोई बात नहीं चलेगा। अब इसे हमें वॉर्म वाटर में लेना है 2 times, ठीक है। गई अंदर, अभी अपना काम करेगी, अब कुछ नहीं खाना आधे घंटे तक, ना कुछ पीना है ना कुछ खाना है, ये अपना काम करेगी बॉडी में जाके, ठीक है। तो गाइज ये बहुत अच्छी है एंड लेट मी टेल यू, कोरियंस इसके ना प्लांट्स तक नहीं छोड़ते हैं, वो खा जाते हैं सारे प्लांट्स, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है प्लांट खाने का, तो हम इसको इस डाइल्यूशन फॉर्म में खाएंगे, ठीक है। तो स्किन अच्छी करेगा ये, कुछ ऐसी मिलेगी आपको SBL में, गिनको बायलोबा, ठीक है, 200 rupees में आती है प्रिंट, इसका जो रेट है वो 200 है, बट डिस्काउंट करके तो आपको शायद ये 170-180 के आसपास आ जाएगी, कम किया जाए तो और अच्छी बात है, पूछ लेना थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट दे दे। सो आपको ये मेडिसिन रोज लेनी है और रिजल्ट आएंगे, पेशेंस रखना, पेशेंस। तो अब मैं मिलूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आई लव यू, बाय गाइस, फॉलो कर लेना और इनको बायलोबल ले आना, ठीक है, इसे हमें रेगुलर लेना है अब।